जैसा विद्या बालन ने काम किया, जैसा कंगना रनौत ने काम किया है, जैसा अनुष्का शर्मा ने काम किया, उस तरीके का काम करना चाहूंगी। मेरे हाथ अभी फिलहाल कुछ नहीं मिल सकता, जो मेरे हाथ लगना था वो मैंने ऑलरेडी ले लिया है। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं धर्म और आप देख रहे हैं हिंदी रश। मेरे साथ हैं इस वक्त भोजपुरी की बेहद खूबसूरत अभिनेत्री सोनाली का। हाय। हेलो धर्म। हाय, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूं, आप कैसे हैं? मैं तो बहुत खुश हो गया हूं क्योंकि आप बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। प्रतीक्ष, क्या आप कैमरा पैन करके जो है सोनालिका की ड्रेसिंग दिखा सकते हैं? इस वक्त अवार्ड फंक्शन के लिए सोनालिका ने क्या कुछ पहन रखा है, सोनालिका से बात करते हैं। ये बताएं कैसे की तैयारी आपने इस अवार्ड फंक्शन को लेकर? कुछ खास नहीं किया है मैंने, आपने कुछ ज्यादा मुझको चने के झाड़ पर चढ़ा दिया है। और सबसे पहले हिंदी रश देख रहे तमाम दर्शकों को सोनालिका प्रसाद का प्रणाम। अच्छा, तो सोनालिका ये बताएं कि क्या आस है भोजपुरी अवार्ड से आपकी, इस बार क्या कुछ मिल सकता है आपके हाथ? मेरे हाथ अभी फिलहाल कुछ नहीं मिल सकता, जो मेरे हाथ लगना था वो मैंने ऑलरेडी ले लिया है कि मैं इस शो को होस्ट कर रही हूँ और इस शो में मैं परफॉर्म कर रही हूँ। क्योंकि इस साल मेरी फिल्म राजतिलक आई थी, तो ऑब्वियसली ये जो अवार्ड शो है वो 2018 के फिल्म के बेस्ड पर है, तो अगले साल मुझको उम्मीद है कि शायद कुछ मुझको मिल जाए। बिल्कुल, अरविंद अकेला कल्लू के साथ जो है सोनालिका ने डेब्यू किया भोजपुरी। ओके, तो इस समय आप जो है 7 से 8 फिल्में भी कर चुकी है, राइट? तो ये बताए कि जम गई भोजपुरी? जम गई। हाँ, भोजपुरी मुझको जम गई। अच्छा, तो क्या कुछ बचा है अभी? कुछ ख्वाहिश होगी आपकी भी? बहुत ख्वाहिशें, ख्वाहिशें के कभी अंत नहीं होता। ओके, अगर बात करें ड्रीम प्रोजेक्ट का, हर किसी का होता है, आपका क्या है इस समय? ड्रीम प्रोजेक्ट्स मेरा ये है कि अब तक जो भोजपुरी में अदाकारा ने जो एक्ट नहीं किया है वैसा रोल वो मुझको मिले और मैं उसको धांसू तरीके से प्ले करूं। ऐसे नहीं चलेगा, रोल के बारे में भी बताना ही होगा। रोल के बारे में अब तो मैं फिर वो हिंदी फिल्मों से मैं एग्जांपल्स देने लगूंगी, लेकिन जैसा विद्या बालन ने काम किया, जैसा कंगना रनौत ने काम किया है, जैसा अनुष्का शर्मा ने काम किया, उस तरीके का काम करना चाहूंगी। क्या लगता है भोजपुरी इंडस्ट्री में इस तरह की फिल्में बन रही हैं? ऑब्वियसली भोजपुरी इंडस्ट्री पहले से बहुत ही ज्यादा एडवांस हो चुकी है, चाहे वो टेक्निकल टर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए, स्टोरीज बात किया जाए, एक्टर एक्ट्रेसेस, आप सब देख रहे हैं कि सारे एक्टर्स अब फिट हो रहे हैं, तो अब ऑब्वियसली चीजें चेंज हो रही हैं। ओके, जाते जाते ये बताएं कि अगर आपको अवार्ड मिल रहा होता तो कौन से अवार्ड को लेकर आप बहुत ज्यादा खुश हो जाती? क्योंकि मैं एक्ट्रेस हूँ तो ऑब्वियसली बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का अवार्ड मुझको मिलता तो मैं बहुत खुश होती। चलिए, हमारी तरफ से तो आपको बधाई है अगले साल के लिए, क्योंकि इस साल शायद आप नॉमिनेट में नहीं है। नो, मैंने कहा ना जैसे 2018 के बेस्ड पर ये है अवार्ड शो, 2019 के बेस्ड पे होता तो मैं जरूर नॉमिनी में भी एटलीस्ट में रहती। ओके, जाते जाते हिंदी रश के दर्शकों को और अपने बन रहे फैंस को कुछ कहना चाहिए? हिंदी रश रॉकिंग यार, जब ऐसा बनता हो तो और क्या चाहिए। थैंक यू वेरी मच सोनालिका हमसे बात करने के लिए, आप बने रहें हिंदी रश के साथ।